सो गाइज, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर सारपी के साथ इसको कनेक्शन कैसे करते हैं, मतलब डीएमएक्स से सारपी लाइट कैसे चलाया जाता है उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। इसका कनेक्शन कैसे रहने वाला है और डीएमएक्स से 512 या फिर 192 जो भी है उससे जो है हम इसका जो प्रोग्रामिंग है वो कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो हमारे पास ये है यहाँ पर सारपी जो कि आप देख सकते हैं और अभी ये ऑन है और कनेक्शन कैसे किया गया है वो आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं प्रोग्रामिंग के साथ और कैसे कैसे डीएमएक्स से चलाया जाता है। और यहाँ पर लगा हुआ है एक हमारा 192 का डीएमएक्स और यहाँ पर एक मोबाइल लगा हुआ है जिसके आप जो कि आपको प्रॉपर जो है दिख सके। तो चलिए पीछे से हम कनेक्शन बात करते हैं, मतलब स्टार्टिंग से इसका कनेक्शन कैसे करना है वो सारी चीज़ हम बात कर लेते हैं। तो पहले तो हमें इसके पीछे जाना होगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका पूरा कनेक्शन। सो गाइज, यह है सारपी का पीछे का कनेक्शन वगैरह सारा चीज़। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कनेक्शन। तो जैसे कि ये हमारा मेन हो जाता है, मेन सारपी ये है। तो इसका कनेक्शन कैसे रहेगा, पहले तो हमें पावर कोड लगा लेना है और यहाँ पर जो है ये इनपुट ये आप देख सकते हो। तो ये है डीएमएक्स वाला वायर, तो डीएमएक्स वाला वायर हम यहाँ लगाएंगे इनपुट में और यहाँ से आउटपुट लेंगे और आउटपुट से ये तार वायर देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट किया गया है और फिर यहाँ से ही आउटपुट लेकर के ये सीधा हम तीसरे वाले सारपी में इनपुट करेंगे और यहाँ से फिर आउटपुट लेकर के ये वाला वायर हम यहाँ पर इनपुट कर देंगे। और भी इधर अगर सारपी है 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी सारपी, मतलब 10 जितना भी सारपी है, तो यहाँ से फिर से हम आउटपुट लेंगे और यहाँ से आउटपुट लेकर के फिर उसमें इनपुट करेंगे। ऐसे ही सेम हमें कनेक्शन कर देना है जो कि पीछे आप देख सकते हैं। अब इसका आगे का कनेक्शन कैसा रहेगा वो हम आपको दिखाते हैं। तो पीछे का कनेक्शन तो आप समझ ही गए हैं कि कैसे कनेक्शन करना रहता है। पीछे हमें जो है मेल और फीमेल एक्सएलआर जो केबल आता है उससे हमें कनेक्शन कर लेना है। अब चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ डिस्प्ले में कि हमें कैसे रखना है इसका सेटिंग। तो हम आ चुके हैं फ्रंट साइड में और इसका जो कनेक्शन रहेगा गाइस वो आप देख सकते हो। यहाँ से इसको टच करेंगे और तो ये आप देख सकते हो, यहाँ से जब यहाँ डिस्प्ले में आएंगे तो आपको एड्रेस में भी जा सकते हैं। तो 001 है तो 001 भी हम रख सकते हैं और यहाँ से हम रन वाले ऑप्शन में जाएंगे। आपके सारपी में हो सकता है दूसरे टाइप से हो तो वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे और डीएमएक्स सीटीआर लिखा, मतलब कंट्रोल डीएमएक्स कंट्रोल 1 में सेट किया गया है तो ये राइट है, तो इसको इसी में छोड़ देंगे। और ये भी सेम वही उसी में है, ये आप देख सकते हो, और ये भी सेम वही उसी में है। तो हमें सभी को 001 में ही मतलब रखना है, ये आप देख सकते हो, और इसमें भी वही है देख सकते हैं। तो ये तो होता है डिस्प्ले का कनेक्शन, 001 हमें रखना है और वहाँ से जो वायर आएगा हमारा ये हमारा डीएमएक्स में लग जाएगा। तो चलिए फिर अब यहाँ से जो है स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये इसका पावर, यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे, देखिएगा। तो यहाँ से ऑन करेंगे तो पहले मैं अब इस वाला मोबाइल से मैं बनाऊंगा, उसके बाद आपको सही से आपको दिखेगा। तो चलिए इसको मैं छोटे का मोबाइल दे देता हूँ और यहाँ से ये बनाएगा इसको और मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा काफ़ी अच्छे से। तो चलिए फिर अब इसको मैं दे देता हूँ। सो गाइज, अब हम क्या करेंगे कि डीएमएक्स में जो हमारा कनेक्शन है वो सारा चीज़ कनेक्शन जो ये बस केबल लगाना रहता है बस, उसके बाद हम इसको चालू करेंगे। तो सारपी आप देखेंगे ये कुछ इस टाइप से पोजीशन में अपना पोजीशन में आ जाता है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये 001 में है। तो पहले हम बेसिक जानते हैं कि सारपी को मूव कैसे किया जाता है, उसमें लाइट वगैरह कैसे लाया जाता है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा एक नंबर है, इसको हम दबा देंगे और इस सारपी को ऑन करने के लिए 2 नंबर और 3 नंबर दोनों फेडर को हम कुछ इस टाइप से उठाएंगे। तो ये आप देख सकते हो चारों सारपी जो है चालू हो चुका है। अब इसमें ये हो जाता है चालू करने के लिए, ये आप देख सकते हैं। तो ये शटर ऑन करने के लिए रहता है, शटर ऑन यहाँ से 2 नंबर और 3 नंबर से होगा। और इसमें अगर हमें कलर डालना है
तो कलर हम एक नंबर से डालेंगे, जैसे कि ये आप देख सकते हो। जैसे जैसे ऊपर करेंगे ना, वैसे वैसे कलर आपका एक एक कलर आते जाएगा। तो जो भी कलर आपको सेट करना होगा वो आप कलर सेट कर सकते हैं। और अगर इसको आप सबसे ऊपर कर देंगे तो कलर जो है मल्टीपल कलर यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा, जैसे कि ये देख सकते हैं, मतलब मिक्स कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम नीचे कर देते हैं तो ये वाइट हो जाता है। और अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मूव कैसे करेंगे, मतलब इसका मूवमेंट कैसे करेंगे, ऊपर या फिर साइड में हम कैसे करेंगे। तो पहले ये जो है आपका चालू हो जाता है 2-3 से, तो हमें क्या करना रहता है, ये जो पेज वाला बटन है इसको दबाना है। तो जब पेज चेंज हो जाएगा तो इसको हम नीचे कर देंगे तो शार्पी जो है आपका चालू रहेगा। और ये 4 नंबर जो फेडर है इससे आप देखेंगे तो ये आपका शार्पी ऊपर जाएगा, ये आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे उठा रहा हूँ ऊपर, तो ये कुछ उधर ये नीचे तक हो गया, और ये नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा वापस। तो ये होता है अप एंड डाउन हम बोल सकते हैं शार्पी को करने के लिए। और आपका जो है 6 नंबर से आपका जो शार्पी है वो पूरा राउंड होता है। देखिएगा यहाँ पर हल्का सा मैं उठाता हूँ, ये देख सकते हैं। तो ये होता है कुछ इस टाइप से, और 4 नंबर से ऊपर नीचे होगा। और ये आप 2 नंबर फेडर उठाएंगे तो ये आप इसको पूरा राउंड इस टाइप से ले सकते हैं, ये देख सकते हैं। मतलब जैसे भी आपको सेट करना है, अगर 4 नंबर को ऊपर उठाते हैं तो ये और ऊपर होगा। अगर आप इसमें सोचेंगे कि यहाँ से ही अगर हम कलर डाल देंगे 1 नंबर से तो कलर इसमें नहीं जाएगा, आपको पेज चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद जो है इसमें से 1 नंबर से कलर चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद फिर पेज को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम जो भी इसको मूवमेंट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो ये तो होता है बेसिक सेटिंग। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो हमारा प्रोग्रामिंग होता है वो हम कैसे बनाएंगे। तो प्रोग्रामिंग बनाने के लिए हम यहाँ पर प्रोग्राम बटन को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग का एक लाइट ब्लिंक करने लगता है, जो कि आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, ये आप देख सकते हैं। अब हमें सेम वही चीज़ प्रोसेस करना है जो कि मैं आपको बताया है। तो 1 नंबर यहाँ पर चालू है, इसको 2 और 3 को ऊपर करेंगे तो अभी कलर में है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो वो वाइट कलर में आ जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, वाइट कलर में सेट करते हैं इसको, कि वाइट कलर में हम इसको किस टाइप से प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमने शटर ऑन कर लिया है, उसके बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट पेज को दबाएंगे, ये 9 नंबर में आ जाएगा, मतलब दूसरे पेज में आ जाएगा। उसके बाद इसको नीचे करेंगे, और उसके बाद प्रोग्रामिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो कि अगर ESRP को हमने कुछ इसी टाइप से लगाया है, पूरा सीधा सीधा, मतलब गाड़ी में लगाया है, तो जब डांस करने समय ऊपर नीचे होता है कुछ इस टाइप से, तो उसको हम कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे। तो सीधा सीधा हम आप देखेंगे तो इसको इस टाइप से प्रोग्रामिंग हम बना सकते हैं, जैसे कि इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, इतना तक हम ले जाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, मिडी ऐड और 1 दबाएंगे, तो मिडी ऐड और 1 दबाएंगे और डिस्प्ले थोड़ा सा ब्लिंक करेगा, जैसे कि आपने देख लिया। उसके बाद फिर इसको वापस लाएंगे तो ये वापस आ गया, फिर से हम मिडी ऐड और 2 नंबर दबाएंगे, यहाँ पर डिस्प्ले ब्लिंक करेगा। तो ये यहाँ पर एक मूवमेंट हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब हम इसमें दूसरा मूवमेंट डालना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका 4 नंबर भी ऊपर कर सकते हैं, और उसके बाद जो है 2 नंबर से उस साइड कर सकते हैं, मतलब इतना उठा करके। उसके बाद क्या करेंगे, मिडी ऐड 3 दबाएंगे, उसके बाद इसको वापस ले आएंगे, या फिर इसको ज़्यादा भी ऊपर, मतलब यहाँ तक घुमा सकते हैं पूरा राउंड। उसके बाद जो है मिडी ऐड 4 दबाएंगे, तो ये कुछ इस टाइप से, और इसको वापस जब लाएंगे तो यहाँ पर मिडी ऐड 5, तो कुछ इस टाइप से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसमें कलर वाला भी कर सकते हैं, घुमाने वाला भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको थोड़ा सा उठा करके और यहाँ से हम इसको घुमाएंगे, तो यहाँ से मिडी ऐड और 6 दबाएंगे और इसको वापस कर देंगे, तो ये कुछ इस टाइप से हमारा जो है बन जाता है। इसको 7 दबा देंगे, तो कुछ इस टाइप से एक छोटा सा प्रोग्रामिंग मतलब हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम लोग कलर वगैरह सारा चीज़ डाल सकते हैं। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को प्रेस करेंगे और यहाँ से जो है इसको ब्लैकआउट हो जाएंगे, मतलब इसको हम लोग बंद कर देंगे, तो आपका DMX जो है उसको हम बंद कर देंगे।
तो डीमैक्स बंद होने के बाद सारपी अपने आप जो है अपने पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको हम मान लेते प्रोग्रामिंग कर लिए हैं एक छोटा सा, तो इसको हम क्या करेंगे, कभी भी लगाते हैं तो सिंपली वैसे ही हमें कनेक्शन कर देना है और सिंपली हमें DMX में चालू कर लेना है DMX को। और जब इसको हम सारपी को अब रन करना चाहते हैं कहीं भी प्रोग्रामिंग में, मतलब प्रोग्राम में हम लोग लगाए हैं या फिर DJ में लगाए हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑटो डेल दबाएंगे, तो ये हमारा सारपी जो है ऑन हो जाएगा। जो हमने प्रोग्रामिंग बनाया है वैसे ही आपका रनिंग करेगा, जैसे कि ये स्पीड है और ये फेड टाइम है, तो इसको हम बढ़ाएंगे। तो इसको जैसे ही बढ़ाएंगे तो हमारा जो सारपी है वो जैसे जैसे हमने प्रोग्रामिंग किया था वैसे वैसे आपका जो है रनिंग में आ जाएगा। तो एक अभी छोटा सा हमने प्रोग्रामिंग किया है जो कि बहुत ही छोटा है, इसमें हम बहुत सारे टाइप के प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जिसमें कि कलर वगैरह सारा चीज़ ऐड कर सकते हैं। और यह टाइमिंग का है, इसको जितना ऊपर करेंगे उतना फास्ट वो जो है आपका घूमने वाला है और यह फेड टाइम है। तो ये कुछ इस टाइप से हम इसको उठा करके रख सकते हैं, ये देख सकते हो, तो कुछ इस टाइप से रनिंग हो रहा है। यहाँ पर देखिए चेंज भी हो रहा है, 500, 600, 700, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवे में हमने ये बनाया था 6 और 7, तो हमने 7 तक प्रोग्रामिंग बनाया था। और कुछ इस टाइप से जो है आपका एक छोटा सा बन जाता है। अब इसमें हम कलर वगैरह भी मतलब ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो जैसे कि प्रोग्रामिंग में हम आएंगे, पहले इसको यहाँ से हटा लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको 102 नंबर में हम बैंक से ऊपर करेंगे तो 102 नंबर में आ जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम को प्रेस करेंगे तो यहाँ से प्रोग्राम भी आ जाएगा, तो यहाँ 102 नंबर आ गया है प्रोग्राम। तो हम अब 2 नंबर में हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं, तो यहाँ से 1 को चालू कर लेंगे। उसके बाद सारपी जो है वो अभी रनिंग में है, तो इसको ऊपर करके इसको नीचे कर देंगे तो शटर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद फिर से इसको ऊपर करेंगे और यहाँ से हम कलर डालेंगे, तो कलर मान लो कि ये वाला कलर हमने डाल लिया है, कोई भी कलर हम ले लेंगे और उसके बाद सेलेक्ट पेज करेंगे और इसको नीचे कर लेंगे। और उसके बाद 4 नंबर से जो है नीचे ऊपर हम कर सकते हैं, तो ये आप देख सकते हो। तो मान लीजिए इसको हम पूरा मतलब नीचे से लेकर के ऊपर तक करना चाहते हैं, मतलब आगे से पीछे तक, तो इसको सीधा हम ऊपर तक लेके जाएंगे और यहाँ से मीडिएट वन दबाएंगे। उसके बाद इसको फिर से नीचे कर देंगे और मीडिएट तो दबा देंगे, तो ये हमारा एक कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें मान लीजिए हम कलर चेंज करना चाहते हैं, तो फिर से सेलेक्ट पेज को दबाएंगे, A1 में आ जाएगा। उसके बाद 2-3 को ऊपर करेंगे और इसके बाद नीचे कर देंगे, बंद हो जाएगा सारपी। उसके बाद फिर से चालू करेंगे और यहाँ से कलर डाल देंगे, तो ये अभी मान लीजिए कि ब्लू कलर हो गया, फिर से यहाँ से पेज चेंज कर देंगे। उसके बाद इसको नीचे कर देंगे और उसके बाद फिर से हम इसको 4 नंबर से ऊपर करके और आप यहां से मीडिएट 3 नंबर दबाएंगे और उसके बाद इसको फिर से नीचे कर देंगे और मीडिएट 4 नंबर दबा देंगे, तो ये कुछ इस टाइप से हमारा दूसरा मतलब बन चुका है 2। और उसके बाद फिर से प्ले पेज सेलेक्ट को दबाएंगे, ये 1 नंबर में चला जाएगा, तो 2 और 3 नंबर को ऊपर उठाएंगे और नीचे करेंगे तो बंद हो जाएगा, और इसको ऊपर उठाएंगे तो फिर से चालू हो जाएगा। तो यहाँ से कलर हम फिर से और कलर ऐड कर सकते हैं, तो मान लीजिए यहाँ से हम एक ये वाला कलर चूज़ कर लेते हैं, ले लेते हैं और पेज को सेलेक्ट मतलब चेंज करते हैं पेज, और उसके बाद इसको नीचे कर देते हैं और 4 नंबर से इसको ऊपर से नीचे तक हम ले जा करके मीडिएट 5 नंबर दबाएंगे, उसके बाद नीचे करेंगे और यहाँ से मीडिएट 6 नंबर दबाएंगे और फिर से पेज चेंज करेंगे और यहाँ से कलर ऐड करेंगे फिर से, या फिर हम पूरा मल्टीपल कलर भी डाल सकते हैं, मल्टीपल कलर डाल करके फिर पेज चेंज करेंगे। उसके बाद इसको नीचे कर देंगे और 4 नंबर को ऊपर उठाएंगे ऐसे करके कुछ इस टाइप से, और मीडिएट 7 नंबर दबाएंगे और फिर इसको नीचे कर देंगे और मीडिएट 8 नंबर दबा देंगे, तो ये एक प्रोग्रामिंग हमारा बन चुका है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम प्रोग्रामिंग को प्रेस करके रखेंगे और यहाँ से आपका जो है ये ब्लैकआउट हो जाएंगे और यहाँ से इसको हम बंद कर देंगे और ये आपका DMX में जो है आपका 2 प्रोग्रामिंग बन चुका है, जो कि काफ़ी सिंपल ही है लेकिन हम इसे काफ़ी इजीली अपने DJ में यूज़ कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, चालू करके देखते हैं हमारा प्रोग्रामिंग कैसा बना है। तो ये चालू हो चुका है और ये 101 में है, तो इसको हम क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं 102 में और यहाँ से हम ऑटो डेल दबाएंगे और ये देखिए, और यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और हमारा जो
प्रोग्रामिंग बना था वो हमारा रनिंग होने लगेगा। तो ये हमने कुछ इस टाइप से बनाया था, जैसा जैसा बनाया था वैसा वैसा हमारा जो है मूवमेंट करेगा। इसको थोड़ा स्लो करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी 102 में है, मतलब कि फर्स्ट वाला जो हमने दूसरा कलर बनाया था, मतलब भगवा कलर में जो बनाया था वो आप देख सकते हैं, ये देख सकते हो। और यहाँ पर 202 आ चुका है, दिख रहा होगा यहाँ पर, एक मिनट, ये आप देख सकते हैं। और ये ऐसे चेंज होते रहेगा, मतलब जैसे जैसे हमने बनाया था उस टाइप से हमारा आने लगेगा। और ये फेड टाइम को भी थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, और कुछ नहीं। आप थोड़ा सा करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये देख सकते हैं, ये ऊपर नीचे हो चुका है बस। तो ये कुछ इस टाइप से जो है प्रोग्रामिंग बनता है। और जो आप राउंड वाला बनाना चाहते हैं उसमें भी जो है आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मतलब पूरा राउंड घूमने वाला आपका 6 नंबर से बन जाता है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और ये हमारा फर्स्ट नंबर, सॉरी, यहाँ से फर्स्ट नंबर में आएंगे तो हमारा जो ये हमारा जो फर्स्ट नंबर में हमने बनाया था उसको अगर हम चला के देखते हैं तो कुछ इस टाइप से हमारा रनिंग हो रहा है। ये देख सकते हो जो हमने फर्स्ट नंबर में बनाया था वाइट कलर में, तो वो कुछ इस टाइप से है। बस इसको ऐसे करके हम छोड़ देंगे, अपना डीजे में चलाते रहेंगे। और ये दूसरा नंबर में है हमारा, बैंक 2 में है। ऐसे ही हम बैंक 3 में भी मतलब बना सकते हैं बहुत सारे प्रोग्राम, 4, 5, 6, 7, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम हम ऐड कर सकते हैं इसमें, बहुत सारा समय टाइम भी लग जाएगा उसमें। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइज, जैसा कि मान लीजिए अगर आपने प्रोग्रामिंग आपका जो है सेट है अगर किए हैं कभी भी पारलाइट या कोई कुछ भी चीज़ का, और आपका जो है रनिंग हो रहा है मतलब, तो आप उसको जो है पूरा रीसेट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये अभी प्रोग्रामिंग हमने जो बनाया है उसको अब हम रीसेट कर रहे हैं। तो रीसेट करने का सिंपली क्या है, ये बैंक जो नीचे वाला है और प्रोग्राम को प्रेस करके और इसको बंद करना है, छोटे इसको दबा दोनों को। तो इसको जैसे ही प्रेस करेंगे दोनों को, और दोनों को प्रेस करके रख रहेंगे, मतलब प्रेस करके रखे रहना, और उसके बाद फिर इसको चालू कर देंगे तो ये बिलिंग करेगा, छोड़ दे, तो ये रिसेट हो चुका है। अब इसमें कोई भी जो है इसमें हमारा प्रोग्रामिंग नहीं बचा है, अब ये रिसेट हो चुका है। इसमें हम फिर से जो है प्रोग्रामिंग बना सकते हैं नए तरीके से।